हथियारों के दम पर जब इतिहास का गौरव लौटाने का भूत सिर पर सवार होता है तो सिर्फ बर्बादी ही हाथ लगती है। यह सच्चाई भी इतिहास के पन्नों में है, जिसे उत्तर कोरिया के लोग 3 पीढ़ियों की तानाशाही देखने के बाद भी पढ़ नहीं पाए। उत्तर कोरिया के लोगों को आज तक यह भी समझ में नहीं आया कि उनकी लड़ाई किससे है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मोहरा, द फूल्स पैराडाइज। दक्षिण कोरिया की कोरियन एयरलाइंस का बोइंग 707 विमान बगदाद एयरपोर्ट से अबू धाबी होते हुए सियोल के लिए उड़ान भर चुका था। लगभग 9 घंटे की उड़ान के बाद विमान अंडमान सागर से गुजर रहा था। तारीख थी 29 नवंबर 1987, समय दोपहर 2:05, अंडमान सागर। अचानक विमान में एक धमाका हुआ और कोरियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या KE858 के परखच्चे उड़ गए। विमान का मलबा थाईलैंड की समुद्री सीमा से लगभग 140 किलोमीटर पहले मिला। विमान में सवार 104 यात्रियों और 15 क्रू मेंबर्स में से कोई नहीं बचा। इस प्लेन बॉम्बिंग का प्लान किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने बनाया था, जो उन दिनों उत्तर कोरिया में तानाशाही के उत्तराधिकारी थे। हवाई जहाज में धमाके के बाद मान लिया गया कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन 13 साल बाद जो हुआ वो और भी हैरतअंगेज था। 15 सितंबर 2000, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी ओलंपिक में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी एक साथ एक ही झंडे के नीचे थे, जिस पर ना तो उत्तर लिखा था और ना दक्षिण। ये दोनों देशों के साझे नक्शे वाला कोरिया का झंडा था, वो नक्शा जिसका इतिहास दोहराने की जिद में उत्तर कोरिया ने पूरे पूर्वी एशिया की शांति खतरे में डाल दी थी। में किंग गोजोंग ने कोरियाई साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन 1910 में कोरिया साम्राज्य पर इंपीरियल जापान ने कब्जा कर लिया। कोरिया में इंपीरियल जापान की सेना ने बेतहाशा जुल्म ढाए, महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाए। कोरिया 1945 तक जापान का गुलाम बना रहा और दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरियाई साम्राज्य के उत्तरी हिस्से पर सोवियत संघ और दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका का नियंत्रण हो गया। उत्तर कोरिया की कमान किम इल सुंग ने संभाल रखी थी, जो चाहते थे कि कोरियाई साम्राज्य पर कम्युनिस्ट शासन हो, जबकि दक्षिण कोरिया में अमेरिका और उसके मित्र देश लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाना चाहते थे। 3 साल बाद भी इस झगड़े का कोई हल नहीं निकला और दुनिया के नक्शे पर कोरियाई साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। लगभग 50 साल तक उत्तर और दक्षिण कोरिया की दुश्मनी जब अचानक सिडनी ओलंपिक में खत्म हुई तो लगा कि अब दोनों देश चैन की सांस ले सकेंगे। 2004 के एथेंस ओलंपिक में भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी एक टीम के रूप में थे, लेकिन उसी के बाद उत्तर कोरिया ने मिसाइलों का अंधाधुंध परीक्षण करना शुरू कर दिया। साल 2006 में उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। परमाणु हथियार और अमेरिका तक मार करने में सक्षम मिसाइलों से लैस उत्तर कोरिया ने ये भी साफ कर दिया कि उसकी दुश्मनी दक्षिण कोरिया से नहीं बल्कि जापान और अमेरिका से है। जापान से इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया कभी नहीं भूला कि कोरियाई साम्राज्य को जापान ने हराया था। अमेरिका से दुश्मनी इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया की मदद करके अमेरिका ने कोरियाई साम्राज्य को कम्युनिस्ट कोरिया नहीं बनने दिया, जिसका सपना किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने देखा था। उसी सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी किम जोंग उन को उनके पिता किम जोंग इल ने सौंपी थी। और कोई भी डिक्टेटर जब वो इतने साल तक चल रहा है वहां पे, तो वहां की जनता। और देखिए एक चीज और मुझे बताऊं आपको, एक बार मुझे एक नॉर्थ कोरियन ने ये बात कही थी, हम कोरिया के लोगों ने जो हमारा विभाजन ये किया है अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह ने मिलकर उत्तर और दक्षिण कोरिया का, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए हरकतें करता है
किम जो है एक तरह से कोरिया की ग्लोरी की बात करके लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं और अपना साम्राज्य बना रहे हैं। न्यूक्लियर एम्बिशन है उनका, मिलिट्री ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। देश में जाए जनता भूख से मरे, देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ना हो, देश में शिक्षा की तरक्की हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। किम जोंग उन के मिसाइलों और परमाणु हथियारों का जखीरा अब अमेरिका और जापान के लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। रूस और चीन के साथ अमेरिका और उसके मित्र देशों के टकराव में एक बड़े प्लेयर किम जोंग उन भी हैं, जो रूस और चीन को अपना ऐतिहासिक दोस्त मानते हैं और दोस्ती निभाने के लिए किसी भी समय नया वॉर फ्रंट खोलने के लिए तैयार बैठे हैं।